हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध में किसी भी दिन कर ले। एक मुट्ठी नमक का ये अचूक और चमत्कारी उपाय जो कि आपको बना देगा धनवान और मालामाल और दूर कर देगा आपकी वर्षों पुरानी गरीबी और बीमारी। दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज है और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में किसी भी दिन अगर आप नमक से जुड़ा ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप नमक से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, अब हम जिस उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नमक का उपाय। दोस्तों, वैसे तो पूजा या व्रत आदि में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर ये उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष और पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, नमक ज्योतिष दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नमक के जीवन में कई उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए, किसी भी कोने में रखिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी ढीब्बे में या मसाले के ढीब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के ढीब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलान होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी, ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं।
घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल साल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भर कर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल लेना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लैश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक साल्ट लैम्प भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक साल्ट लैम्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी है तो चमची लेकर परोसे हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर ढेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष हैं, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया, धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी ढाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं, और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक स्लॉट लैंप यूज नहीं करना चाहते तो यह उपाय कर सकते हैं, और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है जो पुराना नमक बच जाएगा। उसको आपको वॉशरूम में फ्लैश कर देना है। एक बार घर में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वह नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं, वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन भी कीजिए, और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो, या नमक और साथ ढेन राई के साथ लाल मिर्च लेकर, साथ नमक की थैली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर आग की लकड़ी या गैस के ऊपर आपको जला देना चाहिए, और जब भी नजर उतारने के लिए आप वरी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए, तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतरनी चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी अपनी से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है
तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं। नमक के साथ साथ और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा कर के साथ बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें। थोड़ा ढेजरस उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगेगा। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा। 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वॉर कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक ढालकर के खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी, वैसे भी साइंटिफिकली भी ये अच्छा होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात में सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से यह उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में यह उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए। फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। दोस्तों, तो ये थे नमक के असरदार उपाय जिनको आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष में तुलसी से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।